तो हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी जो है हम बोकारो के सबसे बड़े मेले दारहा में हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर जो है हर साल यहाँ पर 17 या 18 जनवरी को बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जो कि बोकारो का सबसे बड़ा मेला है। पूरा मेले का जो है ब्लॉग हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, बने रहिए इस ब्लॉग में। ये जो इलाका पड़ता है दोस्तों, ये है चंदन क्यारी क्षेत्र। बोकारो जिला में चंदन क्यारी क्षेत्र के अंतर्गत इस एरिया का नाम है उदलबनी, जहाँ पर जो है ये मेला लगता है। यदि आप आना चाहते हैं तो उदलबनी सर्च करके आ सकते हैं। ये मेला काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला होता है बोकारो ज़िले का। तो ब्लॉग पर बने रहिए। दारहा मेला के पास में यहाँ पर एक पुल बनाया हुआ है, जो देखिए अभी अधूरा है, पूरा नहीं बना है। ये पुल जब बन जाएगा तो और भी ये मेला देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगेगा। तो अभी फ़िलहाल ये अधूरा है। देखिए काम जो है अभी आधा हुआ है और आधा अभी बाकी है, जो जल्द ही इसे पूरा कर लिया। ये है दारहा जरिया, जहाँ पर जो है पानी बहता है इस पुल के नीचे पर। देखिए ये है दारहा जरिया, यहाँ पर जो है लोग स्नान करते हैं और जाते हैं पूजा करने के लिए। आगे की तरफ जो है वहाँ पर दारहा बाबा है। तो चलिए मैं उसके पास में जाता हूँ। ब्लॉग पर बने रहिए। दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए पूजा अर्चना होता है दारहा बाबा के नाम से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना हुआ है एक, तो यहाँ पर पूजा अर्चना होता है और बलि भी चढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रसाद भी ला के चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मेले में बहुत सारे चीज़ सामान मिलेगा, यहाँ पर जो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे सामान यहाँ पर जो मिलता है, एक से एक सामान, जो भी आपको ज़रूरत है वो सारे सामान यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों। इसे लेकर आपको बहुत सारे वैरायटी सामान जो है यहाँ पर इस मेले में आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लकड़ी का चौकी भी मिलता है, बेलन भी मिलता है, जिससे आप रोटी को बना सकते हैं, प्लेन प्लेन और गोल गोल रोटी बना सकते हैं। ये देखिए भैया जी जो है यहाँ पर पॉलिश मार के जो है यहाँ चिकनाई बना रहे हैं चौकी का, जो लकड़ी का है, जो देखने में भी काफ़ी आता है और हल्का भी होता है। ये देखिए ये एक टैटू की दुकान है, जो जिस तरीके का आप टैटू लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पर टैटू ही टैटू है। यहाँ पर आपको ताज़े ताज़े गरम गरम जलेबी भी देखने को मिलता है, जिसे आप खा सकते हैं और आप अपना पेट भर सकते हैं। देखिए ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबी यहाँ से वहाँ, तो ये लाइन जो है पूरा जलेबी की ही है। यहाँ पर आप लोहे का सामान जो है देखिए, यहाँ पर तवा, तलवार और बैठीन, बहुत सारे जो लोहे की धातु की जो चीज़ बनी हुई है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलता है देखने को। यहाँ पर जो है आप इसे भी खरीद सकते हैं। अभी हम जो है मेलों के बीच में घुस गए हैं दोस्तों। चलिए हम इस बीच से आपको मेले का नज़ारा जो है दिखाता हूँ, आप बने रहिए ब्लॉग में। मेले में आपको चेंज लेकर आना पड़ेगा। यदि आपके पास चेंज नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है हमने 20 रुपये का सामान लिया और 100 रुपये का पैसा दिया, तो 100 रुपये का भी चेंज नहीं दे रहा था। और आधा चेंज दो 20 रुपया तभी जाकर मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बाजार में जो है बड़े नोट, यदि आपके पास 500 या 1000 के नोट लेकर घूम रहे हैं तो यहाँ पर चेंज मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए जो है आप यहाँ पर यदि मेला देखने आते हैं तो चेंज लेकर जरूर ही आइए, और कोई भी मेला जाते हैं तो चेंज लेकर जरूर ही जाना चाहिए। यहाँ पर जो है देखिए जलेबी बिक रहा है, तो अभी जो हम जलेबी का रेट पता कर रहे हैं, देखते हैं कितना में बिकता है। हम अभी जो है जलेबी खाने का मन किया है तो थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं।
जलेबी किसन रेट 40 टका पवा 20 टका आधा पवा। तो यहाँ पर जो है जलेबी का 40 रुपया पवा मिल रहा है, 20 रुपये में आधा पवा, तो हम जो है 20 रुपये में आधा पवा ले रहे हैं। दो आधा पवा दो तो मेले में चेंज नहीं होना बड़ा मुश्किल काम है। अभी भी जो हम जलेबी लिए थे यहाँ पर भी चेंज नहीं मिला, तो जलेबी को आपस लौटा देना पड़े और फिर से देखते हैं दूसरे दुकान में यदि मिलता है तो। यहाँ पर तो नहीं मिला चेंज। यहाँ पर जो है आप अपने बच्चे को उछल कूद करा सकते हैं, देखिए बहुत ही मज़ा आता है बच्चे को यहाँ पर उछल कूद करने में। तो ऐसे जो है यहाँ पर 5-6 को लगा हुआ है, इधर एक है देखिए इस मेले में बड़ा बड़ा इधर करके लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए देखिए खेलने का जगह बना दिया है, जो उछल उछल कर बच्चे मज़ा ले रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे जो है उछलने का एरिया बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर। दारा के मेला में एक बहुत ही बड़ा इलाका दारू और मांस खाने वालों का भी है, तो चलिए हम उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर कौन कौन सा वैरायटी सामान आपको मिलेगा। दोस्तों ये जो है मेले का वो इलाका है जहाँ पर जो है मांस और शराब बिकता है। ये देखिए ये जितना भी बड़ा इलाका है यहाँ पर सब जो है वही बिकता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए आते भी हैं। देखिए यहाँ से पूरा जो एक जगह फील्ड है, ये फील्ड में सब वही सब बिकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अभी बन रहा है, बहुत सारे लोग इसको खाएँगे अभी। इस मेले में बहुत ही ज़्यादा मारपीट भी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस मेले में यदि आए तो ज़्यादा उठपटांग काम नहीं करें, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त धुलाई होता है इस मेले में। तो मार से बचने के लिए ज़्यादा उठपटांग काम ना करें और मेले का पूरा इंजॉय लें। तो बने रहिए ब्लॉग में। खून निकल गया भाई 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 भाई, खून निकल गया। अरे गजब 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 गजब। Thank you.
ठेला ठेली ना करो बाबू नहीं आराम से देखा आराम से तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेला में जो है बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गया है। इतना भीड़ शायद ही कभी होता है। इस साल जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर भीड़ हो गया है। यहाँ से लेके बहुत लंबा एरिया में भीड़ है जो कि इस कैमरा में आ नहीं पा रहा है। इतना लंबा एरिया में भीड़ है कि तो यहाँ से हम अभी निकलने का कोशिश करेंगे। आप ब्लॉग पर बने रहिए। इतना ज़्यादा भीड़ है कि निकल पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको अभी निकलना है। यहाँ से शाम का टाइम हो गया है तो जल्दी से हम निकलने का कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उधर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और वहाँ से बहुत कष्ट से निकलना पड़ा और आगे भी इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इधर भी निकल जाएंगे आराम से। ब्लॉग पर बने रहिए। तो दोस्तों अभी जो है हम पूरा मेला घूम के बाहर निकल गए हैं। मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पर जो है कैमरा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यदि कोई धक्का दे दिया तो कैमरा तो गया, मोबाइल भी गया साथ में। तो दोस्तों अभी जो है हम भीड़ से बाहर निकल गए हैं। मेला ओवर भीड़ था जो कि लाखों की संख्या में कह सकते हैं। तो बस आज की ब्लॉग में यहीं पर। ब्लॉग यदि बढ़िया लगा तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।